तो मैं कुछ वेबसाइट्स को आपको बताना चाहूँगा। ये हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ख़ास तौर पे डिज़ाइनिंग के हवाले से। फोटोशॉप भी मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर भी ओपन कर लिया। तो हम बात करेंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, और ये इसमें से चंद एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमारी वाकई ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तो मैं अडोब की एक वेबसाइट है उसके बारे में जिक्र करूंगा। ये है हमारी behance.net। तो बेसिकली जब आपके पास क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को आपने अपना पोर्टफोलियो शो करना होता है, और पोर्टफोलियो के लिए आपको दो ही वेबसाइट्स होती हैं, दूसरी कंट्रोल फोर्ट है, वो आजकल मैं यूज नहीं कर रहा। बहरहाल, अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग के हवाले से अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये बिहेंस आपके पास है और बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो इसमें अपना लॉगिन साइन अप बना लें और अपना जो भी काम करें वो इस पर करते रहें, लेकिन कोशिश करें। अच्छा, क्लाइंट जब आपसे काम मांगता है ना, अभी ये देखें मेरे से ये बात हो रही थी, तो वो आपसे टेस्ट मांगता है कि आपने पहले काम क्या किया हुआ है। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए मैं अपने ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये आज भी कल भी मेरा एक कंप्लीट हुआ है 27 अक्टूबर को, और 5 स्टार हुआ है। इसी तरह से ये $40 का हमारा 22 को कंप्लीट हुआ था, ये 16 को कंप्लीट हुआ था, और ये $200 का 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। इट मीन कि अक्टूबर की अर्निंग मेरी राउंड अबाउट 300 क्रॉस कर गई है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि ये क्लाइंट्स जितने भी होते हैं आपसे पोर्टफोलियो मांगते हैं, और पोर्टफोलियो में आपने अपना पुराना वर्क दिखाना होता है। वैसे मैं बिहेंस पे अभी अपडेट अपनी पोर्टफोलियो नहीं कर रहा, लेकिन मैं लॉग इन करके आपको दिखा देता हूँ। लॉग इन करने पे ये मेरे से आईडी पे की ना मांग ले मोबाइल वाली, क्योंकि उस वक्त मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा, चलें ये आप खुद बना लीजिएगा। ये मुझे लॉग इन करना पड़ेगा मोबाइल के थ्रू, तो मैं अभी लॉग इन नहीं कर रहा। और एक एक इस साइट का ये भी आपको फायदा होगा कि इस साइट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, दुनिया के लोगों ने काम किया होता है, और आपको एक आइडिया हो जाता है कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया है। अगर ये कोरल पे इलस्ट्रेशन बनी है तो कैसे बनी है, या अडोब फोटोशॉप पे या अडोब इलस्ट्रेटर पे काम हुआ है तो वो कैसे किया गया है। आपके पास एक आइडिया आ जाता है, फिर आप उस आइडिया के ऊपर बैठ के खुद से काम करने लग जाते हैं। तो बिहेंस पे मुख्तलिफ लोग दुनिया के, जैसे ये फोटोशॉप पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और आपको उसमें बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये एक बड़ा ही मतलब शुरू, आप कोई भी स्किल्स सीखने जाते हैं तो उस स्किल्स को पहले देखना बड़ा जरूरी होता है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं कोई मूवी एडिटर तो नहीं हूँ, वीडियो एडिटर नहीं हूँ, क्योंकि आप हर फन नहीं सीख सकते। अगर आप हर फन में माहिर बनने की कोशिश करेंगे तो आप मास्टर ऑफ नन हो जाएंगे, किसी चीज में मास्टर नहीं होगा आपका। तो इन चीजों को सिर्फ मैं टच करता हूँ कि चलें छोटा मोटा काम किया जा सके। मैंने इसीलिए फिल्मोरा वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, प्रीमियर को मैंने अब इंस्टॉल किया है कल जाके, कि चले मैं उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लूँ। अदरवाइज मैं छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग ये फिल्मोरा और कैमटेसिया पे कर लेता हूँ, मुझे प्रीमियर सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि वो 70 सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हैं और फिर वो मास्टर किसी में नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि आप एक चीज पकड़ लें, ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपने शुरू की है तो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही एक्सपर्ट बने। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और फोटोशॉप के रिलेटेड काम हुआ हुआ मिलता है, और फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं कि ये कैसे आखिर काम किया गया है, और उसमें आपको आइडियाज मिलते हैं। अच्छा, कहते हैं कि इंग्लिश बोलना नहीं आता, या इंग्लिश सुन लिख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, तो एक हकीकत बात है कि वो टीचर भी हमें बताते हैं कि जो जितना अच्छा पढ़ता है वो उतना अच्छा जो है वो बोलता है, लिखता है, मतलब उसके बाद उतना ही नॉलेज होता है।
और जो जितना ज्यादा लिखता है वो जो है वो लिखता तब है जब उसने पढ़ा होता है, और अगर आप जितना अच्छा सुनते हैं आप उतना अच्छा बोल लेते हैं। मतलब अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। और इसी तरह ये अगर आप देखना सीख लेते हैं कि ये काम के अंदर क्या क्या काम हुए हुए हैं, मतलब मैं जब वीडियो को देख रहा होता हूँ, किसी की भी वीडियो हो चाहे मूवी हो, तो उसमें मैं एक चीज नोट कर रहा होता हूँ कि यार ये यहाँ पे इन्होंने कौन सा इफेक्ट यूज किया है, और इवन के उसकी बैकग्राउंड पे जब ऑडियो आ रही होती है तो मैं देखता हूँ कि यार इन्होंने ऑडियो पे क्या इफेक्ट लगाया है। तो एडोब एडिशन एक सॉफ्टवेयर है, वो इसके साथ यूज किया जाता है ऑडिशन, ये भी अडाप वालों का ही है, मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, शायद अभी हो, अभी नहीं है मेरे सिस्टम पे। तो अडाप एडिशन के ऊपर आप ऑडियो इफेक्ट्स वगैरह को मूवी के अंदर एडिट करते हैं। बहरहाल आप हम काम कर रहे हैं इलस्ट्रेटर पे, फोटोशॉप पे और कोरल ड्रा पे, उसके रेलेवेंट मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मैंने ये बता दी behance.net, और दूसरी सेम काम यही करती है ये वाली वेबसाइट, ठीक है, ये जी इसको खोलते हैं, drlbelearnable.com। तो इसके ऊपर भी आपको किसी तरह की बनी बनाई चीजें मिलेंगी और लोगों के काम मिलेंगे, और आप अपना भी अपलोड करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लाइक इलस्ट्रेशन पे तो देखिए आपके पास इलस्ट्रेशन आ गई हैं, अगर मैं जाता हूँ एनिमेशन पे एनिमेशन मिल जाएगी, मोबाइल पे जाऊंगा मोबाइल के मिल जाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइन पे गया हूँ प्रोडक्ट के रेलिवेंट डिजाइन मिल गए हैं। तो आपको ये देखें ये PST पड़ी हुई है, आप यहाँ से इसको देखें ये कैसे काम हुआ हुआ है, और आप ये देखें $9 की यहाँ पे ये बेच रहा है, मतलब आप अपना डिजाइन यहाँ पर सेल आउट भी कर सकते हैं। मैं जाता हूँ फ्री मॉकअप मैकबुक प्रो पे, तो यहाँ पे फ्री जो है फ्री वाले मैकबुक के जो थे वो सारे के सारे आ गए, यहाँ से मैं इनको किसी को भी डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन उसकी PSD वो $9 में कह रहा है। तो बाज़ औक़ात यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात हमें पेमेंट करके लोग खरीदते हैं। अभी देखें मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड का मैंने मॉकअप डाउनलोड किया है, ये 263 MB की एक फाइल है, मैं इसको सॉरी ये पावर पॉइंट की है, एक मिनट ये है जी। तो ये बिजनेस कार्ड का मॉकअप है और 7 मॉकअप्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल 4 नंबर ओपन करता हूँ, तो ये देखिए ये मेरे पास अडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हुआ है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि क्लाइंट को देने के लिए मॉकअप बना हुआ है और उसको शो कर, अभी मैंने कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर, ये ऑलरेडी डिजाइंड है, मैं इसको जस्ट क्लिक करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका चेंज करना है लोगो वगैरह कुछ भी, मैं जस्ट यहाँ पे जाने के बाद जो भी चीज यहाँ पे लिखूंगा जो लोगो यहाँ पे लगाऊंगा वो पूरे का पूरा इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये PSB फाइल है। PSB फाइल पे मैंने आपको एक लेसन दिया था कि ये कैसे काम करती है, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिर ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट होता होता हमारी मेन फाइल तक चला जाता है। इस तरह की आप प्रीमियम भी डाउनलोड होते हैं और आपको बहुत सारी साइट से फ्री में भी मिलते हैं। तो ये दूसरी वेबसाइट आप अपने पास नोट कर लें, ये बहुत जबरदस्त काम की वेबसाइट है, मैंने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, लेकिन हम चंद इनमें से चंद करेंगे, लिस्ट में सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन कुछ वेबसाइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों साइटें मैं क्लोज कर रहा हूँ, बिहेंस को और ट्रेवल को, ये क्लोज हो गई, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की जाने, तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ फोटोपिया या फोटोपी.com कह सकते हैं आप। तो ये अगर आपके पास ऐसे कंप्यूटर पे बैठे हैं जहाँ पे अडोब फोटोशॉप नहीं है और अडोब फोटोशॉप पे आप काम करना चाहते हैं, बेसिकली ये अडोब की तो नहीं है लेकिन अडोब की एक कंपनी ने क्रिएट की है, इसके ऊपर आप PSD XD इवन के PDF और रॉ फाइल भी बना सकते हैं। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, उसी तरह आपको ये साइज पूछता है, आप यूट्यूब का कवर बनाना चाहते हैं, ये आप यूट्यूब प्रोफाइल इमेज बनाना चाहते हैं, आप फेसबुक ग्रुप का हेडर, ये ऑटोमेटिकली साइजिंग लगा देता है, आप साइज यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।
आप क्रिएट करेंगे, आपको टेम्पलेट भी मिलते हैं और आपके पास ये ऑलमोस्ट वो तमाम टूल्स अवेलेबल हैं जो कि अडोब फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल हैं, और आप उसी तरह से लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट काम करती है और इसमें आप उसी तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, यही आपका मूव टूल काम करता है, इवन के शॉर्टकट कीज तक उसके अंदर वही काम कर रही होती हैं। और ये वेबसाइट जो है आप यूज करते हैं, अगर आपके पास देखिए मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया है तो वो उसी प्रोपोर्शनल के पोर्शन के साथ उसको बढ़ा रहा है, और मैं अभी विंडोज में चला जाता हूँ यहाँ पे उसके स्टाइल या कोई और कलर या कुछ भी लेना चाहूँ, ये लेयर्स हैं, ये टूल्स हैं, तो ये स्वेचेस हैं। आप मोस्टली अडोब फोटोशॉप तो नहीं है बट अडोब फोटोशॉप के तरह का हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, और ये बकायदा आपकी फोटो एडिटिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये मैंने इस पे कोई इतना ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन कभी कभी कोई फोटो ऑनलाइन उसका साइज कम करना पड़ जाए तो हम यहाँ से ओपन करके उसका साइज कम कर लेते हैं और छोटी मोटी आप सेटिंग कर लेते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और आपने ये पढ़ा नियोफिल लेयर, नियर गार्ड, एडजस्टमेंट लेयर, तो ये सब भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये साइट आपके काफी काम आ सकती है, इसको भी आप अपने पास नोट कर लें, फोटो पी डॉट। अच्छा, इन ये बेसिकली ये कहाँ से कमाते हैं, इन्होंने ये एड्स लगाई हुई है गूगल एडसेंस की, जो इस पे क्लिक करेगा जहरी बात है इनकी अर्निंग में इजाफा हो जाएगा, और ना भी क्लिक करें तो CPM रेट तो उनको मिल ही रहा है उसका। ठीक है, तो ये आगे आपकी PNG भी डाउनलोड हो जाती है, SVG भी डाउनलोड हो जाती है और PSD भी सेव हो जाती है इसके ऊपर। इसमें ये आपको बर्न टूल, डॉज टूल, ये समाज, ये सारे ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। नोट कर लिए जी वेबसाइट हमारे ये वाली, ये नोट कर लेंगे। ठीक है जी, जी सर, हाँ जी सर, और मैं चलता हूँ नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ, fuzzimo.com। ये बहुत ही पुरानी वेबसाइट है और ग्राफिक डिजाइनर इसको अभी भी यूज करते हैं, इवन कि ये ब्लॉग टाइप वेबसाइट है, और इसमें ये भी अपनी अर्निंग गूगल एडसेंस से कर रहे हैं, इवन कि आप इसमें सर्च करते हैं तो इन्होंने अभी तक सर्च भी 2004-05 का लगाया हुआ है, और साइट भी इतनी ही पुरानी है इनकी, लेकिन इसके ऊपर आपको पैटर्न्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इवन के सीमलेस पैटर्न्स भी आपको मिल जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इधर कोई टेक्सचर सर्च करना चाहता हूँ या पैटर्न सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लेदर लिखता हूँ सर्च, मुझे लेदर के पैटर्न चाहिए, तो ये देखिए सर्च में हमारे पास ये सारे गूगल के लिंक आ गए, ऊपर एड्स वाले हैं, नीचे हमारा इमो का ओरिजिनल लिंक अवेलेबल है। मैं यहाँ से किसी भी इस पे चला जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें मुझे सीमलेस चाहिए तो मैं गूगल को डाउनलोड कर देता हूँ, ये देखें पूरे लेदर के पोर्शन अवेलेबल हैं और बहुत हाई क्वालिटी अवेलेबल होते हैं। यहाँ से मैं सीमलेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। सीमलेस पैटर्न या टेक्सचर कैसे बनाया जाता है, छोटा सा एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया था, मजीद सीमलेस पे मैं दोबारा एक दफा बताऊंगा क्योंकि सिंपल पैटर्न मैंने आपको करवाया था। तो ये इसको ये देखें बहुत सारी इमेजेस हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं, मैं 7x700 की ये इमेज है, देखें ये अच्छी खासी इमेज है, मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लिया जी। अभी मैं आपको अडोब फोटोशॉप में इनको ला के दिखाता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो ये FZM इस फोल्डर में डाउनलोड हो गए हैं जी, ये हमारे पास आगे। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारे पास पैटर्न है, मैं इसका पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम फाइल न्यू लेते हैं जी, न्यू कोई सा साइज ले लें, मैं फोटो का साइज ले लेता हूँ, क्रिएट, और यहाँ से मैं चलता हूँ जी के मुझे लेने हैं पैटर्न, बेशक ब्रश से ले लें कोई मसला नहीं है, बेशक आप यहाँ से पैच टूल से लें, किसी से भी आप ले सकते हैं, इवन के यहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे
इनको इसको इंपोर्ट करवाना है मैंने, और मैं ये कहता हूँ जी कि उसको यहाँ से ओपन करवा देता हूँ। मतलब मुझे तो यहाँ पे बनाना है ना उसको, मैं यहाँ से ड्रैग करके या मैं जरा ये 800 वाली फाइल को ले आता हूँ, ओपन कर लेते हैं जी ओपन। और ये मेरे पास सारे आ गए, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, अभी मैं इसका क्या करता हूँ, इसको एज ए डिफाइन एज ए पैटर्न या ब्रश या डिप पैटर्न कर देता हूँ। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा एज ए पैटर्न डिफाइन हो गया। अब मैं चाहे बैकग्राउंड पे लगाना चाहूँ, चाहे जहां मर्जी इसको यूज करना चाहूँ, अब हमारे पास ये अवेलेबल है। ये देखें, पैटर्न टू स्टैम्प, ये अभी पैटर्न ये लिया हुआ है, ये देखें ये मैंने लिया है, और ये सीमलेस पैटर्न है। अब मैं इसको जितनी मर्जी हाई क्वालिटी पे फिल आउट कर दूं, वो मेरी मर्जी है। ये इसमें कोई सीमलेस का मतलब ये होता है कि इसमें कोई आपको ब्रेकेज नहीं आ रही किसी भी जगह पे, और इसको आप जितना मर्जी ये जूम आउट कर लें, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी पैटर्न क्रिएट हो गया है, और मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। इवन कि अगर मैंने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को मैं पैटर्न स्टाइल्स के अंदर लाना चाह रहा हूँ, लेयर स्टाइल पे चलते हैं, लेयर स्टाइल, और यहाँ से पैटर्न ओवरले। तो पैटर्न ओवरले में मैंने इसको ले लिया, देखिए वो उसी स्टाइल में चला गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा एम्बॉस कर देता हूँ, और कलर दे के उसके अंदर वही सभी कलर दे लें, व्हाइट दे लेता हूँ, और साथ एक्यूपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि वो भी चीज नजर आए। तो देखिए पैटर्न भी नजर आ रहा है और बैकग्राउंड के साथ मैचिंग भी हो गई है। फर्दर वो तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसके ऊपर कितना काम करते हैं। मैं अभी बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, देखिए आपके साथ पैटर्न के अंदर वो काम कर रहा है। और अगर मैं अभी इसका वाइट खत्म कर दूं, कलर ओवरले को खत्म कर देते हैं, तो ये देखिए ये ओरिजिनल वही पैटर्न हमारा इसके अंदर फिल आउट हो गया है। तो ये इस तरह के सीमलेस पैटर्न्स आप इस वेबसाइट से बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको आप अपनी डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल थी, आप इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, इसमें आपको और बहुत कुछ मिलने वाला है। क्लियर जी, चलते हैं जी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक्स। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ साइट, ये flaticon.com, ये ऑलरेडी भी मैंने आपको एक दफा दो दफा बताई है, इसको आप नोट कर लें। फ्लैट आइकन पे आपको पता है हम SVG PSD बहुत सारे आइकन हमें मिल जाते हैं। मसलन मुझे कॉन्टेक्ट अस में वेबसाइट का आइकन लगाना है, मुझे ईमेल का आइकन लगाना है, मुझे एड्रेस लगाना है, तो यहाँ से मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। देखिए ये 50 आइकन है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलेंगे हाई क्वालिटी में। हम उसको अडोब इलस्ट्रेटर पे भी लेके जा सकते हैं, फोटोशॉप पे भी, और कोरल ड्रा के अंदर भी चले जाएंगे। मजीद आप यहाँ से सर्च करें कोई भी आपको चीज टॉपिक चाहिए, मतलब मुझे शॉपिंग कार्ट चाहिए, शॉपिंग बैग चाहिए, नहीं शॉपिंग बैग क्लिक किया तो आपके पास बहुत सारे शॉपिंग बैग के आइकन्स आ जाते सर हैं। स्क्रीन आप शो यहाँ हो स्क्रीन रही? नहीं शो हो रही, हो नो सर, तो रही हमारे है, पास आ रही है। आ रही है जी। ये आप दोबारा ज्वाइन कर लें एक दफा लीव करके, अगर आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही। वैसे मैंने ओवरऑल तमाम स्क्रीन शेयर की हुई है। ओके जी, ये हमारे पास देखें बहुत सारे आइकन्स आ गए। इसमें ये एड है, ये गूगल की एड है, जब आप स्टॉक की साइट पे ले जाएगी वहां से आपको ये बाय करने पड़ेंगे, लेकिन ये नीचे हमारे पास फ्री वाले अवेलेबल है। आप कोई सा भी लेके फिर उसका कलर चेंज किया जा सकता है। तो किसी भी आपने क्लिक करना है, SVG पे क्लिक करें, फ्री डाउनलोड करें, ये फ्री डाउनलोड हो जाएंगे आइकन। आइकन आपके पास आ गया है SVG, आप बेशक इसको इलस्ट्रेटर पे ले जाएं। ये देखिए मैं इलस्ट्रेटर पे ले आया हूँ, ठीक है, बेशक आप इसको अडोब फोटोशॉप में ले जाएं। अभी देखें ये इसका कलर ये है, मैं इसका आउटलाइन
अपलाइन कलर चेंज करना चाहता हूँ या मैं इसके अंदर फिलअप करना चाहता हूँ, वो हम इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। और इसके ये स्ट्रोक बढ़ाना है या कम करना है, या इसके ऊपर फर्दर आप स्टाइल अपना सकते हैं, जिस तरह का मर्जी स्टाइल आप यूज करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं इसके ऊपर 3D इफेक्ट लगाता हूँ। मेरी रैम थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि सॉफ्टवेयर काफी सारे खुले हुए हैं, मैं 3D को यूज नहीं करता। ये बटन इफेक्ट लगा दिया, तो ये आपके पास बहुत सारे फंक्शन, ये आपका यूं समझे कि ये हाई क्वालिटी इमेज है और इसको किसी भी जगह पे एडजस्ट किया जा सकता है। flataicon.com के बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट देखते हैं जी। ओके जी, तो अब मैं चलता हूँ। ये फाउंट्स की दो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी, बल्कि तीन वेबसाइट्स हैं, दो ये लिखी पड़ी हैं। thefount.com, कोई भी आप फाउंट इससे फ्री में मिल जाएगा आपको, बहुत सारे फाउंट मिल जाएंगे। प्रीमियम फाउंट के आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये founts.google.com, ये गूगल के फाउंट्स आजकल इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट से इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, ये founts.google.com। और गूगल वालों ने ये इंटरनेशनली फाउंट दिए हैं जिनको जरिए हम वेबसाइट के अंदर भी यूज करते हैं और अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी आपको पसंद आया फाउंट, आप उसको क्लिक करें और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होते साथ ही आप क्लिक करें और इसको डबल क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर दें। बहुत ही आसान काम है और इस तरह से आपके फोटोशॉप, कोरल, जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं, वर्ड, एक्सेल वगैरह, सब में ये फाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप किसी भी फाउंट का नाम भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर वो फ्री में अवेलेबल हुआ और गूगल के फाउंट में लिस्ट में शामिल हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। इवन के आप यहाँ पे कुछ सेंटेंस टाइप करें तो वो उसको टाइप करके भी यहाँ पे दिखाता है। और बाकी लैंग्वेजेस के हवाले से मुझे अरेबिक फाउंट चाहिए, अब अरेबिक मुझे मिल जाएंगे। मुझे आप देखें अरेबिक में आप ये आपके उर्दू पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और फोटोशॉप में डायरेक्ट उर्दू कैसे काम करते हैं ये मैं आपको एक स्पेशल लेसन में बताऊंगा, अडोब इलस्ट्रेटर और उर्दू फोटोशॉप पे कैसे काम करती है। वैसे मेरी एक पुरानी वीडियो उस पर पड़ी हुई है मेरे चैनल के ऊपर, कोई देखना चाहे तो उसको देख सकता है। और ये ऑल लैंग्वेजेस आ गई, ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगर मुझे हैंड राइटिंग स्टाइल वाले फाउंट चाहिए तो मैं सिर्फ हैंड राइटिंग को चूज कर लूंगा, मुझे हैंड राइटिंग स्टाइल वाले सभी फाउंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप कोई सा भी फाउंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंट के लिए मैंने एक और वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है, ये fontskill.com। ये भी हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है और इससे भी आपको फाउंट मिल जाते हैं। ये जो ये वाली फाउंट वाली वेबसाइट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने कोरल में लेसन किया था कि फाउंट को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो एक हमारा पूरा लेसन पड़ा हुआ है, उसको आप कॉपी भी, उसके अंदर मैंने सारी चीज बताई है कि फाउंट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये दो वेबसाइट्स, ये और एक गूगल की, ये आप फॉन्ट्स वाले खाते में शामिल कर लें। मैं बल्कि इस साइट को यहाँ पे ले आता हूँ। ओके जी, अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब मैं कैटेगरीज की तरफ चलता हूँ। स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस में मैंने आपको एक वेबसाइट काफी दिनों से करवा रहा था, वो हमारी थी unsplash.com। और इसको मैं यहाँ पे लिख लूँ, हमारी लिस्ट में आ जाए ताकि। तो unsplash.com भी हमारे पास उसी तरह से काम करती है जी, जैसे कि मैंने ऊपर वाली लिखी है। तो दो वेबसाइट्स और मैंने लिख दी, इसकी इन तीनों के जरिए आप स्टॉक इमेजेस फ्री में ले सकते हैं और उनको वेबसाइट पे या सॉफ्टवेयर में यूज किया जा सकता
शटर स्टॉक इसमें दुनिया की सबसे टॉप की वेबसाइट है, और अडोब स्टॉक जो है वो भी इस वक्त टॉप पे आ रहा है हमारा, अडोब स्टॉक। ठीक है, अडोब स्टॉक और ये जो शटर स्टॉक है इस पे आपको जहरी बात है कोई भी तस्वीर लेंगे तो वो बाय करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, फ्री में अवेलेबल नहीं होती। और यहाँ पर हाई क्वालिटी पिक्चर्स आपको मिलती हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस, वेक्टर ग्राफिक, 3D ग्राफिक, बहुत कुछ मिलता है। अडोब में आपको फ्री वाला एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको फ्री में भी अवेलेबल हैं, और आप इसको लिंक को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये जो मैं आपके साथ लिंक शेयर करने वाला हूँ इसलिए मैं इनको यहाँ लिख भी रहा हूँ साथ साथ। ठीक है जी, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा तमाम के तमाम। तो और आप पोर्टल ओपन करते रहा करें, मैं उसके ऊपर चीजें अपलोड करता रहता हूँ मुख्तलिफ किस्म की। तो ये वाली इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, बट दूसरी इमेजेस आपको पेमेंट करके ही मिलेंगी। शटर स्टॉक पे भी इमेजेस बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि बाज बात हम थोड़ी सी ज्यादा फुल हाई क्वालिटी नहीं बट लो क्वालिटी में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री में कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने वीडियो उसकी अपने चैनल पे रखी हुई है। इसमें बहुत सारी आप सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चाहिए यहाँ पर फ्री लेंसिंग के हवाले से कोई पिक्चर चाहिए, तो मैंने फ्री लेंस लिखा तो मुझे पास बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। ये देख हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, और मैं अपने बैनर पे अपनी किसी भी जगह पे इनको यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे फ्री में नहीं मिलेंगी, ये बकायदा इसको पैसे मांग लेगा। और ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है, 5,000 समथिंग पिक्सल्स पे जा रही है। डाउनलोड फ्री, ये स्टार्ट माई फ्री ट्रायल, फिर पैसे मांगेगा आगे जाकर। बट आप ये जो साइट्स मैंने दी हैं ऊपर वाली तीन, इन पे आपको इसी तरह की हाई क्वालिटी की इमेजेस फ्री में अवेलेबल होती हैं। pixelbay.com, मेरा एक फाइबर पे मैसेज आया जी, उसको क्या हुआ ये तो आपने खुद ही, मैं भाई अपना लेक्चर लो, आप तो मुझे मैसेज करने बैठ गए हो, पहले लेक्चर तो ले लो, मुझे ही मैसेज कर रहे हैं आप। अच्छा जी, तो ये पहले लेक्चर इनको लेना चाहिए जो हम लेक्चर चला रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पे पिक्सेल बे पे भी आप उसी तरह से, मैं फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए साल्ट की पिक्चर, तो मैंने साल्ट लिखा, देखें साल्ट के रिलेटेड तो कोई नहीं आई, लेकिन मैंने जब अनस्प्लैश पे लिखा था तो मुझे काफी सारी मिल गई थी। इसी तरह मुझे, मैं जब pixels.com पे गया था, ये पिक्सल्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे मैं साल्ट लिखता हूँ तो, और मैं यहाँ पर भी साल्ट लिखता हूँ, तो अभी देखें जी साल्ट के रिलेटेड इन्होंने मुझे ये पिक्चर्स दी हैं। ठीक है, ये एक साल्ट की आई है, ये एक साल्ट की आई है, और ये कुछ साल्ट के रेलेवेंट आई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए था, मैंने एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, उसका मैंने बैनर बनाना था, और मुझे साल्ट की माइंस की पिक्चर्स चाहिए थी। तो ये डिफरेंस होता है शटर स्टॉक और उसका, कि मैंने जब यहाँ पर साल्ट लिखा तो आपको सामने पिक्चर्स बहुत आउट क्लास आएंगी, ये देखेंगे। ठीक है, साल्ट के रेलेवेंट, अब देखें इसने कितनी अच्छी इमेजेस निकाली हैं, और वो फ्री वाले में हमें कैसी मिली हैं। और अभी मैं साल्ट लैंप लिखता हूँ तो देखिए कैसी आउट क्लास इमेजेस हैं, और मैंने इसी इन्हीं इमेजेस को यहाँ पर इस वेबसाइट पे यूज किया। अगर मैं साल्ट लैंप इस पे लिखता हूँ, और फिर मैं साल्ट लैंप इस पे लिखता हूँ, तो देखें ये साल्ट लैंप में हमारे पास एक इमेज यहाँ पे मिली है, एक ये मिली है, और ये ऐसी इमेजेस हैं मैं इनको बैनर में यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी किसी कंपनी की बनानी थी।
ये मैं यूज कर सकता हूँ, ये साल्ट लैंप पाकिस्तान में अवेलेबल है, खेवड़ा की कान में मतलब वहां के बाहर ये आम आम बिक रहे हैं। तो मैंने फिर इस वेबसाइट पे शटर स्टॉक से लेके इमेजेस को यूज किया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि फ्री वाली वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाए, बहुत कुछ चीजें मिल जाती हैं, बहुत कुछ नहीं भी मिलती, और फिर हम इनको बाई भी करते हैं। इवन कि मैंने इस पिक्चर को भी यहाँ कहीं पे यूज किया, ये देख, ठीक है, ये इस इमेज को मैंने यूज किया है। तो बताने का मकसद ये है कि इमेजेस हमारी जो हैं वो बहुत जबरदस्त किस्म की जरूरी होती हैं हमारे लिए, और ये हमें बाद का बाय भी करनी पड़ती है, क्योंकि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हाई क्वालिटी इमेजेस को यूज करना पड़ता है। ओके जी, इन चारों वेबसाइट्स का आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक इमेजेस वाली साइट्स कौन सी होती हैं, और मैंने जस्ट फ्री वाली लिखी है, परचेज वाली बहुत ज्यादा है। मतलब आप परचेज वाली एक मैंने सिर्फ आपको बताई है, शटर स्टॉक। इसके अलावा मैं अभी भी एक वेबसाइट से डाउनलोड कर रहा था जी ईमेल में, वो थीम फॉरेस्ट और कोड कैन वगैरह पे हमें बाज का इनकी अभी फोटो के रेलेवेंट भी इनके अवेलेबल हैं जो परचेज हम लेते हैं। खैर उस पे मैं आपको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वेबसाइट में आपको ये लिखा हुआ है सिल आउट्स, तो इसको आप एक दो प्रोनाउंस करवा देता हूँ मैं इस वर्ड को। और एक मुझे जब शुरू शुरू में मैंने फ्रीलांसिंग काम शुरू किया, तो एक बंदा मुझे बार बार ये लफ्ज बोले और मुझे मेरी समझ में ना आए कि ये क्या बला है। बेसिकली ये होता क्या है कि ये एक ऐसा इमेज होता है कि जो इस तरह से आपको नजर आता है, पिक्चर नजर नहीं आती बल्कि उसका साया टाइप नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके मीनिंग में मैं अगर जाऊं तो ये एक डार्क शेप आउटलाइन किसी की होती है हमारे पास। अभी देखेंगे ये बोल के बताता है मुझे, अगर बता दे तो। आपको तो नहीं आवाज आई, मुझे तो नहीं है। लर्न टू प्रोनाउंस, ओके जी। और भाई ये आपकी तरफ तो नहीं आवाज जा रही, मुझे नहीं आ रही मैं भी नहीं आ रही मेरा सर। कहीं, हाँ ये कहीं वॉल्यूम हमारा क्रोम का तो नहीं बंद हुआ हुआ, बंद तो नहीं है। चलिए आप इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी दोबारा एक दफा खुद से चेक कर लीजिएगा इसको कैसे बोला जाता है। तो ये फ्री में है, तो हमारे पास वेबसाइट है allseahouse.com, और इस ये बंद होगी ये वेबसाइट। चलें ये वेबसाइट बंद होगी, या इसका मे भी हो सकता है मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, बाद में आपको चेक करके बता दूंगा। अच्छा जी, आइकन में मैंने फ्लैट आइकन आपको बता दिया, iconfinder.com भी हमारा वही काम करता है। और iconfinder.com जो है ये आपके सामने है, ये परचेज्ड है। इसमें हम अगर शॉपिंग बैग का आइकन सर्च करते हैं तो ये देखिए बहुत प्यारे आइकन मिले हैं, लेकिन अगर फ्री वाले पे जाएंगे तो फ्री वाले नजर आएंगे, बाकी आपको फिर वो पेमेंट करके लेनी पड़ेगी। ये देखें, फ्री पे क्लिक किया, फ्री वाले शो हो गए, अदरवाइज प्रीमियम वाले ज्यादा शो हो रहे हैं। फ्री वाले डाउनलोड हो सकते हैं यहाँ से, लेकिन प्रीमियम वाले आपके नहीं हो सकते। तो इस साइट को भी आप यूज कर सकते हैं, ये PNG यूज हो जाएगा और बाद के SVG भी, ये SVG भी और अदर फॉर्मेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये जो ICO फॉर्मेट होता है ये फेव आइकन के लिए यूज होता है, आइकन की ओरिजिनल एक्सटेंशन जो होती है वो ICO होती है। फेव आइकन क्या होता है, जैसे ये ब्राउजर के अंदर ये फाइबर का F5 लिखा हुआ है, तो ये फेव आइकन होते हैं जो ब्राउजर के यहाँ पर शो होते हैं। तो इनको भी बकायदा तौर पे लोग डिजाइन करवाते हैं। अभी मैंने ये बर्गर वाली की साइट पे काम कर रहा था, तो इसका फेव आइकन मुझे बनाना पड़ा था,
और मैं आपको दिखाता हूँ डाउन, मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखें इसके इवन वर्डप्रेस पे भी आपको यहाँ पे यहाँ पे मेरा माउस है उसका लोगो नजर आ रहा है। मैं इस वेबसाइट को ओपन करके दिखा दूंगा आपको, इसकी मुख्तलिफ किस्म की इसका इवन का पॉइंट ऑफ सेल भी मैंने मैंने ही डिजाइन किया था, और इसकी कुछ काफी सारी ग्राफिक्स पे भी मैंने काम किया है। इवन के आप देख सकते हैं अभी भी पासवर्ड मेरे पास ही है इसका, और ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, ठीक है, लोकल बर्गर, लोकल बिगर बर्गर, तो ये इनका लोगो था, इसी लोगो से आप फेव आइकन पे कन्वर्ट करते हैं। ये ठीक है जी, तो ये आइकन का फेव आइकन बनाया जाता है। ओके जी, फेव आइकन के मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी बिहेंस, ये मैंने आपको बता दी फ्री स्टोरेज देती है, और एक मैंने और भी बताई आपको जो हमारी ये वेबसाइट थी आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रही है, इसको मैं इस लिस्ट में ले लेता हूँ, और एक ये वेबसाइट है हमारे पास गो के, मैं इसको यूज नहीं करता, मैं बिहेंस को ही यूज करता हूँ, बल्कि ये ओपन ही नहीं हो रही, शायद बंद ना हो गई हो, बंद नहीं हुई, और स्पेलिंग कहीं से गड़बड़ थे, तो ये भी उसी तरह से आपको स्टोरेज प्रोवाइड करती है, और आप यहाँ से पिक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी सबमिट भी चीजें बनाई हुई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी एक जबरदस्त किस्म की वेबसाइट फ्री में आपको मिलेगी, और इसके अंदर आप सर्च उसी तरह से कर सकते हैं, और उसी इवन के आप लॉगिन करने के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे दुनिया के ग्राफिक डिजाइनर बैठे होते हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, तो वहां से आपको काफी सारी नई टिप्स मिलती हैं। तो ये मैंने चंद वेबसाइट्स आपको बताई हैं, अभी बहुत सारी वेबसाइट हम आने वाले लेक्चर्स में भी यूज करेंगे। ये logos.ai लोगो के रेलेवेंट है, और designcuts.com हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है, इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वेबसाइट्स का, बाकी खोल के उसके ऊपर काम आप लोगों ने करना है। और फाइनली मैं एक वेबसाइट जो कोई भी आपको नहीं बताता उसको मैं बताऊंगा, और वो वेबसाइट जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज है, ये देखिए जी, ये डिजाइन कट्स है, और इसमें आपको इलस्ट्रेटर के ब्रशेज, फोटोशॉप के ब्रशेज, इवन के पैक्स, पूरे के पूरे पैक्स मिलते हैं। मसलन ये हमारे पास इलस्ट्रेटर के स्टाइल्स हैं यहाँ पे स्टाइल्स, ठीक है जी, और जैसे वो हमने अडोब फोटोशॉप में देखे स्टाइल, यहाँ पे ग्राफिक स्टाइल के नाम पे ये अवेलेबल है, जैसे ये 3D के हैं, ये सिंपल हैं, इमेजेस हैं, तो ये आप यहाँ से अदर पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड हुए हुए वो यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपने जब स्टाइल किसी भी टेक्स्ट पे या किसी लोगो पे या किसी इमेज पे आपने अप्लाई करना होता है, तो आपने जस्ट उस टेक्स्ट को लिखने के बाद आपने ये क्लिक करना होता है, वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाता है, जैसे कि आपने फोटोशॉप में देखा, तो ये आपको बने बनाए स्टाइल्स भी इन वेबसाइट से मिल जाते हैं। देखिए इलस्ट्रेटर के ब्रशेज पड़े हैं, इसी तरह से ये इफेक्ट्स पैक पड़े हुए हैं, इवन के एक्शन पड़े हैं, एक्शन मैंने अभी आपको नहीं करवाया, ठीक है, अडोब फोटोशॉप में लेवल्स होते हैं, बिगनर लेवल्स होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर एडवांस लेवल होता है, तो ये जो एक्शन वगैरह है ना ये एडवांस लेवल पे हमारा जाके यूज होता है। अडोब फोटोशॉप में एक पैनल है यहाँ पे एक्शन का, ठीक है, ये एक्शन इसको हमने अभी नहीं किया, ठीक है, कि ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे चलाएंगे, मैं एक लेक्चर इस पे आपको करवाऊंगा, इवन के मैंने आपको आज सिलेबस फॉरवर्ड किया है ग्रुप के अंदर, आप ये सारा सिलेबस सब लोग देखें एक दफा डाउनलोड करने के बाद, मैं भी आपको दोबारा सिलेबस रिव्यू करवा देता हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये ओके जी, तो इस सिलेबस में आप देखें कि हमारे पास ये कोरल का सिलेबस है,
और उसके बाद ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है जी कोरल का सिलेबस, और ये कोरल की ये पहले तो फ्री लेंसिंग फाइबर वगैरह के बारे में बता रहे हैं, फिर आपको प्रोजर राइटिंग, यहाँ से कोरल डिजाइनिंग, कोरल का शुरू हो रहा है, यूज ऑफ कोरल। तो ये सारे टूल्स हमने एक एक किए थे, आपको मैंने कहा सिलेबस इसलिए भेजा है अगर इनमें से कोई जैसे चेंजिंग केस का आपको नहीं पता तो आप उसको एक दफा करके देखें, वो ना हो तो मेरे से पूछें कि सर ये क्या था, ठीक है। और इसी तरह ये कलर RGB कल हमारा लेक्चर इस पे हुआ है, दोबारा मैंने कोरल में भी दिया था, कल मैंने आपको डिटेल में उसके बारे में बताया। तो ये सारे का सारा आपको मैंने सिलेबस सेंड किया है, इसको एक एक करके देखें। और उसके बाद आप आ जाएं एडोब फोटोशॉप पे, एडोब फोटोशॉप में देखें मैजिक वाइंड है, ये अरेजिंग आपको पता है इरेजर टूल के साथ है, टाइप टाइप टूल के साथ है, पेन टूल के कमाल हैं, मास्किंग मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर दिए आपको इसके ऊपर, रेजुलेशन का मैंने आपको बताया कितने पिक्सल कितने DPI पे आपने उसको रखना है, फाइल जब न्यू लेते हैं तो प्रिंट पे क्या साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद फॉर्मेट्स हैं, मतलब जब आप सेव करते हैं तो ये अडोब फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल PSD सेव होती है, मतलब आपने कोई भी फाइल ओपन की है तो ये PSD में सेव होती है, बट आप इसको सेव JPG कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, PNG है, तो ये इनके बारे में डे बाय डे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये सिलेबस एक दफा गो थ्रू करें, इसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं लेकिन आपको अभी तक उनका पता नहीं, ये डिफरेंस बिटवीन मार्क एंड लोगो, तो मैंने लोगो की टाइप्स पे आपको एक लेक्चर दिया था और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं अवेलेबल यूट्यूब पे, क्योंकि वो मैंने आपको थ्योरी का लेक्चर दिया था और उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन मैंने एक PDF की फाइल आपके साथ जरूर शेयर की थी, वो इलस्ट्रेटर वो आपके पोर्टल पे मौजूद है, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी तक मेरे डेस्क